लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उगाही, हत्या और धमकी देने के कई मामलों में वांछित और 15 साल से फरार चल रहे अंडरवर्ल्ड डॉन रविवार पुजारी को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार पुजारी की गिरफ्तारी करीब 25 दिन पहले हुई थी। अब उसे पुलिस अधिकारियों की एक टीम भारत ला रही है। रविवार पुजारी का बॉलीवुड से खास कनेक्शन रहा है। शाहरुख, सलमान, अरिजीत सिंह, करिश्मा कपूर और महेश भट्ट जैसी कई बड़ी हस्तियों को धमका देने वाला रविवार पुजारी प्रीति जिंटा का फैन बताया जाता है। प्रीति जिंटा ने 12 जून 2014 को अपने एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 मई 2014 को हुए आईपीएल मैच के दौरान नेस वाडिया ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इस शिकायत के कुछ दिन बाद नेस वाडिया के पिता नुसली वाडिया भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। नुसली वाडिया ने पुलिस को बताया कि उन्हें ये धमकी अंडरवर्ल्ड डॉन रविवार पुजारी की तरफ से दी गई। ये धमकी उन्हें फोन और के जरिए दी गई। फोन करने वाले अपना नाम रविवार पुजारी बताया। नुसली के बताया था कि कॉल करने वाले ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया से रविवार पुजारा बोल रहा है। उसने हिदायत दी कि प्रीति जिंटा के आसपास न मंडराओ। नेस वाडिया को यह संदेश दे दो वरना उनका कारोबार मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके अलावा एक में लिखा था कि प्रीति जिंटा को परेशान मत करो। एक चैनल से बातचीत में रविवार पुजारी ने ये बात कबूली थी। उसने ही उस रात वाडिया के दफ्तर में फोन किया था लेकिन उसका मकसद फिरौती मांगना नहीं था। उसने ये भी कहा था कि वो जब चाहे तब किसी को भी फोन कर सकता है। हालांकि प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड डॉन रविवार पुजारी को पहचाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रविवार पुजारी के नाम से मिलते जुलते नाम वाले पूर्व क्रिकेटर रविवार शास्त्री और चेतेश्वर पुजारा को जरूर पहचानती हैं।